एक ऐसा साइको किलर जो लेडीज को कॉल करके उनसे क्वेश्चंस पूछता, लेकिन अगर लेडीज ने सवालों का गलत जवाब दिया तब वो उन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। कहानी की शुरुआत होती है केसी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। केसी तो फिलहाल के लिए अपने घर पर अकेली होती है, तभी अचानक उसके घर पर एक फोन कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ कोई अनजान आदमी था जो केसी से बातें करने लगा होता है। वो अनजान आदमी तो केसी को शुरुआत में डरा धमका रहा था, जिससे कि केसी बिल्कुल भी डरती नहीं। केसी ने तो ये बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है, पर तभी फोन की दूसरी तरफ जो आदमी बात कर रहा था वो केसी के बॉयफ्रेंड का नाम तक बता देता है। केसी थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी कि आखिर इसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता। अब वो आदमी केसी से कह रहा था कि तुम अपने गार्डन्स की लाइट्स ऑन करो। केसी जैसे ही लाइट्स ऑन करती है तब पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने बांध कर रखा हुआ है और उसे काफी ज्यादा मारा भी गया था। हालांकि केसी तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा डर गई और उसे बचाने के लिए बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी कॉल पर मौजूद उस आदमी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बाहर बिल्कुल नहीं जाता। इस बात से केसी और भी ज्यादा डर जाती है और अंदर आकर रोने लगती है, लेकिन फोन पर मौजूद उस आदमी ने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब वो आदमी केसी से एक सवाल पूछता है। वो कह रहा था कि हेलोवीन मूवी में कातिल कौन था। केसी ने इस सवाल का सही जवाब दे दिया होता है, लेकिन उस आदमी ने फिर एक सवाल पूछा कि फ्राइडे 13 मूवी में कौन कातिल था। इस बार केसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से उस अनजान आदमी ने केसी के बॉयफ्रेंड जिसे की बांध कर रखा गया था उसे जान से मार दिया। केसी ये देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगी। अब तो उस अनजान आदमी ने दरवाजे भी तोड़ दिए जिससे कि बाहर जाने का रास्ता ओपन हो गया। केसी को पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया है, इसीलिए वो फिलहाल के लिए अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। तभी अचानक उसके पीछे से एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी बाहर आता है और केसी को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लेता है। हालांकि उसी समय केसी के मॉम एंड डैड भी वहां पर आ चुके थे, लेकिन वो केसी को बिल्कुल भी देख नहीं पाते, जिसे कि वो अनजान आदमी लेके जाकर जान से मार देता है। उसने तो केसी की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से केसी की जान यहाँ पर बच सकती थी। अगर भले से ही वो अनजान आदमी कॉल पर उससे अजीब तरीके के सवाल पूछ रहा है, तो केसी को इतना तो समझ जाना चाहिए था कि वो साइको है और उसे घर से बाहर ना निकल के जो वो साइको आदमी सवाल पूछ रहा है उन सारी मूवीज को देखकर कातिल का नाम बता देना चाहिए था। शायद किसी सारे सवालों के सही जवाब दे देती तो वो साइको आदमी उसे और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को ही छोड़ देता, पर बदकिस्मती से केसी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब अगले दिन ये केस पूरी तरीके से शहर में फैल जाता है। कई सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि आखिर ये मर्डर किसने किया। अब हमें केसी की एक फ्रेंड सिडनी को दिखाया जाता है। सिडनी को भी अपने फ्रेंड की मौत का बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो सारे क्लास अटेंड करने के बाद अपने घर पर चली गई थी। अब अचानक सिडनी को भी वही अनजान साइको आदमी का कॉल आता है। वो साइको आदमी सिडनी को बता रहा था कि कई साल पहले जो तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही किया था। दरअसल ये कुछ सालों पहले की घटना होती है जहाँ पर सिडनी की मॉम का किसी ने रेप कर दिया और उसकी बुरी तरीके से जान ले ली। हालांकि सिडनी को जिस आदमी पर शक था उसने उसे जेल में भेज दिया होता है, लेकिन अभी भी वो उन सारी चीजों से ओवरकम नहीं हुई थी। सिडनी इस बात से थोड़ा सा डर जाती है, इसीलिए वो डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दे रही थी कि मुझे कोई आदमी कॉल करके परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है। लेकिन अब हमेशा की तरह पुलिस एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना होने के बाद ही पहुंचती थी, लेकिन तब तक सिडनी के घर पर वही नकाबपोश वाला आदमी आ गया जिसने कि अपने हाथ में एक नाइफ लिया था और सिडनी को जान से मारने के लिए पीछे भागने लगा। सिडनी किसी भी तरीके से अपने आप को बचाती है और ऊपर के कमरे में चली जाती है। अचानक सिडनी को वहाँ पर अपना बॉयफ्रेंड बिली मिला था। वो बिली को सब कुछ बताती है कि मेरे पीछे एक खतरनाक आदमी पड़ा है जिसने कि ब्लैक कलर की पोशाक पहनी थी। बिली सिडनी को काम डाउन कराता है, लेकिन तभी अचानक बिली के जेब में से एक मोबाइल फोन नीचे गिरा था। ये वही फोन होता है जिससे कि सिडनी को कॉल किया गया था, और अब सिडनी समझ चुकी थी कि शायद जिस आदमी ने कॉल किया वो और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही है। सिडनी जब बाहर की तरफ भाग रही थी तभी वो नकाबपोश वाला आदमी आया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी कॉस्ट्यूम होती है जिससे कि कुछ ऑफिसर्स ने उठा लिया था। अब सिडनी के कहने पर पुलिस वालों ने उसके ही बॉयफ्रेंड बिली को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सिडनी को लग रहा होता है कि जिस आदमी ने कॉल किया और जो ब्लैक कॉस्ट्यूम में मौजूद था वो और कोई नहीं बल्कि बिली होता है। हालांकि बिली बहुत बार कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब लड़कियों के एलिगेशन के सामने किसी भी लड़की की कहां चलती थी। लड़के तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर्स के सामने लड़कियों से हार ही जाते हैं और सजा पाते हैं विदाउट कोई गलती किए। लेकिन अब अचानक सिडनी को एक और कॉल आता है जिसमें कि वही साइको आदमी मौजूद था, यानी कि उसे अब पता चल गया है कि ये साइको आदमी कोई दूसरा है ना कि उसका बॉयफ्रेंड बिली। और अगर ये साइको आदमी सच बोल रहा है तो सिडनी की मॉम को इसी ने मारा होगा। सिडनी ने अपनी मॉम के कत्ल के इल्जाम में जिस आदमी को जेल में भेजा था यानी कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है, उसका तो इन सारी चीजों में कुछ लेना देना ही नहीं था।
एक रिपोर्टर अब सिडनी से मिलती है जो बता रही थी कि वो आदमी जिसे कि तुमने अपनी मॉम की कत्ल में अंदर फंसाया है, उसका तुम्हारी मॉम से भले ही एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर था, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारी मॉम को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सिडनी को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि उसके मॉम का कातिल तो कोई और ही है। अब पुलिस ऑफिसर्स इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सिडनी को बुलाते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स ने बिली की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की थी, जिससे कि पता चला कि बिली ने कोई भी कॉल नहीं किया था। दरअसल जिस नंबर से सिडनी को कॉल आया था वो उसके फादर का होता है, और अब पुलिस ऑफिसर को कहीं न कहीं सिडनी के फादर पर शक होने लगा था, क्योंकि जब से सिडनी की मॉम का मर्डर हुआ है तब से ही उसके फादर भी गायब है। सिडनी तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। पर अगले दिन वो अपने कॉलेज के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो वॉशरूम में मौजूद थी। अचानक सिडनी का नाम कोई पुकारने लगा, जिससे कि वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वॉशरूम के अंदर तो सिडनी के अलावा और कोई भी नहीं था। सिडनी को लगने लगा कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब अचानक उस वॉशरूम में फिर से आवाजें आना स्टार्ट हो गई, तब सिडनी रियलाइज करती है कि एक वॉशरूम के अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है, और अब वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अचानक वही मास्क और ब्लैक कपड़े पहने हुआ आदमी बाहर निकलता है और सिडनी के ऊपर हमला कर देता है। सिडनी तो अपनी जान बचाकर लगातार बाहर भागने लगी थी। हालांकि सिडनी इस बार उस नकाबपोश वाले आदमी को पकड़ा सकती थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद पता चला कि कई सारे स्टूडेंट्स ने उसी तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, तो वो ऐसे ही किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती थी। पहले ही वो गलत एलिगेशन की वजह से दो आदमियों की जिंदगी खराब कर चुकी है, और इसके बाद सिडनी की बातों के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। अब हमें वही नकाबपोश वाला आदमी दिखाया गया जो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल के रूम में चला जाता है। उसने तो पता नहीं क्यों प्रिंसिपल को पकड़ा और उसे जान से मार दिया, जैसे कि उस साइको आदमी के लिए मर्डर करना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात हो। अब धीरे धीरे शहर के अंदर इस तरीके की मर्डर होना काफी ज्यादा कॉमन हो चुके थे, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ने चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया था, जिससे कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकल पाए। सारे स्टूडेंट्स के भी ऑफलाइन कॉलेज बंद हो चुके थे और उनके ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं आइडिया था कि घर के अंदर बैठने तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि असली खतरा तो अभी आने वाला था। अब यहाँ कई दिनों बाद सिडनी और उसके सभी दोस्त पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। कॉलेज के सारे स्टूडेंट तो सिडनी के फ्रेंड के घर पर आ जाते हैं पार्टी करने के लिए। वहाँ पर तो सिडनी का बॉयफ्रेंड भी आया था, जिसका नाम बिली होता है, और जिसे कि सिडनी ने गलत एलिगेशन लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया था। सारे स्टूडेंट्स तो उस हाउस पार्टी में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। अब हमें बाहर की तरफ वही रिपोर्टर दिखाई गई जो कि इन सारी चीजों पर नजर रख रही होती है, क्योंकि उसे अपने न्यूज चैनल के लिए खबर चाहिए थी और वो उसके लिए जो चाहे वो करेगी। सिडनी की दोस्त का एक भाई होता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो रिपोर्टर तो ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने लगी और पार्टी के अंदर चली आई। रिपोर्टर सभी से काफी अच्छी तरीके से बात कर रही होती है, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक वीडियो कैमरा वहीं पर रख दिया था, जिससे कि वो अंदर हो रही सारी की सारी चीजें देख सकी और उसके ऊपर नजर रख सके। अब हमें सिडनी की एक दोस्त दिखाई जाती है जो कि फ्रिज के पास ड्रिंक्स लेने चली गई थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वही ब्लैक कलर की पोशाक वाला आदमी आ जाता है, जिसने कि सिडनी की दोस्त को डराने की कोशिश की। पर सिडनी की फ्रेंड समझती है कि जरूर ये उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उस नकाबपोश आदमी ने चाकू निकाला और सिडनी के दोस्त को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। हालांकि इस मर्डर के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला होता। अब उस ऑफिसर को खबर मिली थी कि उनके घर की झाड़ियों के पास एक कार पाई गई है, इसीलिए वो ऑफिसर उस रिपोर्टर के साथ देखने चला गया होता है। झाड़ियों के पास जाने पर ही पता चला कि वो कार तो सिडनी के फादर की है, जो कई साल पहले गायब हो चुकी थी। अब सारे स्टूडेंट्स को ये पता चल चुका होता है कि उनकी एक फ्रेंड मारी जा चुकी है और उसकी डेड बॉडी अभी भी बेसमेंट में पड़ी हुई थी, इसीलिए वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर सिडनी तो अपने बॉयफ्रेंड बिली के साथ ऊपर वाले कमरे में मौजूद थी, जो उसके साथ काफी ज्यादा क्लोज होकर अपने पुराने वाले सारी चीजों को बुलाने की कोशिश करती है। बिली सिडनी को यहाँ पर भरोसा दिलाता है कि वो उस नकाबपोश वालों को नहीं जानता, लेकिन तभी अचानक वही नकाबपोश वाला आदमी बिली के पीछे आ गया था, जिसने की चाकू की मदद से तुरंत ही बिली को मार दिया। सिडनी के तो सामने ये सब हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वो तो चिल्लाते हुए लगातार बाहर भागने लगी, पर उसके सारे दोस्त तो पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, यानी कि अब सिडनी की मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सिडनी किसी भी तरीके से भागते हुए उसी रिपोर्टर वाली वैन के पास आ गई थी। वहाँ पर तो रिपोर्टर का असिस्टेंट मौजूद होता है, जिससे कि वो बोल रही होती है कि ब्लैक कलर का पोशाक वाला आदमी मेरे पीछे पड़ा है।
इसीलिए अब रिपोर्टर के असिस्टेंट ने सिडनी को कार के अंदर ले लिया था। अब उन लोगों ने घर के अंदर जो वीडियो कैमरा लगाया होता है उससे वो देख रहे थे कि वो नकाबपोश वाला आदमी कहां पर मौजूद है। उन्हें जब पता चला कि अभी भी वो घर के अंदर है तो इसीलिए असिस्टेंट वैन का दरवाजा ओपन करके यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वही साइको आदमी सामने आ गया था जिसने की असिस्टेंट के ऊपर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। वो तो सिडनी के ऊपर भी हमला करता है लेकिन सिडनी वहां से काफी दूर भाग जाती है। अब तो यहां पर पुलिस ऑफिसर और वो रिपोर्टर भी आ चुके थे। ऑफिसर रिपोर्टर से कहता है कि तुम जल्द से जल्द पुलिस वालों को कॉल करके पूरी फोर्स यहां पर बुलाओ। तब तक वो ऑफिसर घर के अंदर चला गया था सिडनी को ढूंढने के लिए। वो रिपोर्टर जैसे ही अपने वैन के पास पहुंची तब उसे पता चला कि उसके असिस्टेंट को जान से मार दिया गया है। इस बात से वो एकदम शॉक हो जाती है पर अपने वैन को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगी थी। अब अचानक झाड़ियों के अंदर से कोई बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं बल्कि सिडनी थी जिसे कि उस आदमी ने काफी घायल कर दिया था। सिडनी की जान बचाने के लिए वो रिपोर्टर अपनी वैन को साइड में ले लेती है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब सिडनी अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर जैसे ही गई उसके सामने ऑफिसर मौजूद होता है। सिडनी को लग रहा था कि अब ऑफिसर के आने की वजह से वो बच जाएगी पर पता चला कि उस साइको आदमी ने ऑफिसर के ऊपर भी हमला किया और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। सिडनी जब घर के अंदर जाती है तब बिली भी बड़ी घायल अवस्था में नीचे आ रहा था, यानी कि वो अभी तक मरा नहीं होता, उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो नकाबपोश वाला आदमी सिडनी के पास आता है, इसीलिए अब उसने ऑफिसर की जेब में से गन निकाली और उनके ऊपर पॉइंट कर दिया। लेकिन अब अचानक ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम वाला आदमी वहां से गायब हो गया था और सिडनी के दो फ्रेंड्स वहां पर आ चुके थे, वो भी अपनी जान बचाकर कहीं दूर भाग रहे होते हैं। फिलहाल के लिए वो तीनों उसी घर के अंदर आ गए, जो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, और उनका एक साथ रहना ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। सिडनी के उन दोनों दोस्त का नाम स्टीव और बेन होता है। स्टीव तो अब बेन के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि उसने ही सारी कत्ल किए हैं, लेकिन बेन तो सिडनी के पास आकर उसे समझाने लगता है कि ऐसी कोई भी गलती उसने नहीं की। अब यहाँ सिडनी नोटिस करती है कि बिली को जो चोट लगी थी वो उससे बहुत ही जल्द ओवरकम कर ले रहा है, यानी कि उसकी बॉडी पर जितनी भी चोट लगी हुई थी वो उससे जरा भी दर्द ही नहीं हो रहा होता। और अब अचानक बिली के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। सिडनी भी नोटिस करती है कि बिली के कपड़ों पर खून नहीं बल्कि टोमेटो सॉस लगा होता है, और अब बिली ने तो बेन को जान से मार दिया था। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद सिडनी समझ जाती है कि वो नकाबपोश वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि बिली ही था। अब तो कमरे के अंदर स्टीव भी आ जाता है जिससे कि हमें पता चला शुरुआत से ही स्टीव बिली के साथ मौजूद था और उन दोनों ने साथ मिलकर ही इस पूरे सीरियल किलिंग का बिजनेस चालू किया होता है। दरअसल पहली बार जब सिडनी ने बिली के ऊपर शक खाकर पुलिस वालों को पकड़ा दिया था तभी भी सिडनी को मारने के लिए कोशिश करने का काम बिली ने ही किया होता है, पर पुलिस कस्टडी में आने के बाद बिली ने एक वॉइस चेंजर यूज किया जिससे कि उनकी वॉइस मैच ना हो पाए, जिससे कि बिली और स्टीव अलग अलग आवाज बदल कर बातें कर रहे थे सिडनी से। उन्होंने अपने सारे फोन कॉल्स किसी और ही कंट्री में ट्रांसफर कर दिए थे जिससे कि किसी को भी इस बात पर शक न हो, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस वाले पूरी तरीके से गुमराह हो चुके थे और उन्हें बिली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला होता, इसीलिए उन्होंने बिली को छोड़ दिया था। पर अब सच्चाई तो सिडनी के सामने है। सिडनी बिली से कह रही होती है कि आखिर तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। तब जाकर बिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में बताता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे डैड का अफेयर हुआ करता था, इस वजह से मेरी रियल मॉम ने सुसाइड कर लिया, इसीलिए मैंने और स्टीव ने मिलकर तुम्हारी मॉम को जान से मार दिया था। और अब बिली डिसाइड करता है कि हम सिडनी को भी खत्म कर देंगे। दरअसल उन दोनों ने ही सिडनी के फादर को किडनैप करके रखा था अपने पास, जिससे कि सिडनी के मॉम के मर्डर का पूरा शक उसके फादर के ऊपर चले जाए। यानी कि शुरुआत से ही जब से सिडनी की मॉम का मर्डर हुआ था बिली और स्टीव ने सिडनी के फादर को किडनैप कर लिया और उन्हें अपने पास कैद करके रखा। बिली और स्टीव के चेहरे पर तो एक अजीब तरीके की खुशी दिखाई दे रही होती है। वो दोनों अब सिडनी को मार देंगे और उसके बाद उसके फादर को भी खत्म कर देंगे, जिससे कि ये पूरा केस इस तरीके से बन जाएगा कि सिडनी की मॉम को उसके फादर ने ही मारा और अब उसके फादर ने सिडनी को भी मारकर अपनी जान ले ली। दोनों जब सिडनी के पास उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी अचानक वही न्यूज रिपोर्टर सामने आ गई थी जिसके हाथ में गन मौजूद होती है। उसने तो बिली और स्टीव के ऊपर गन तान दी थी जिससे कि वो सिडनी को चोट ना पहुंचा सके, लेकिन बिली तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस तरीके से सभी के सामने पकड़ा जाए, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस रिपोर्टर के ऊपर कूद गया और वो तो उसे बहुत ही ज्यादा मारते हुए गन छीन लेता है। लेकिन जब बिली और स्टीव वापस आए तो वहां से सिडनी गायब हो चुकी थी, यानी कि वो इसी मौके का फायदा उठाकर कहीं जाकर छुप गई है। दोनों तो एकदम पागलों की तरह सिडनी को पूरे घर के अंदर ढूंढने लगे थे, लेकिन अब सिडनी ने बिली की वही कॉस्ट्यूम पहन ली होती है जिसके अगले मोमेंट में वो बिली के ऊपर कूद कर उसके ऊपर हमला करने लगी, क्योंकि यहां सिडनी को अंदाजा हो चुका था कि शांति से बैठने से वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी, इसीलिए उसे बिली पर हमला करना ही पड़ेगा।
हालांकि बिली सिडनी से काफी ताकतवर होता है, लेकिन सिडनी हार नहीं मानती और उसे धक्का देती रहती है। स्टीव भी बिली की मदद कर रहा था सिडनी को मारने के लिए, लेकिन सिडनी ने बड़ी चालाकी से एक टीवी उसके ऊपर फेंक दिया था, जिससे कि स्टीव की तुरंत ही मौत हो गई। और उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि वो गलत का साथ दे रहा था। अब बिली पूरी तरीके से सिडनी पर हावी होने लगा था और उसके ऊपर चढ़ के मारने जाता है। यहाँ पर सिडनी अगर खुद को बचाना चाहती है तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला, अगर वो बिली के मेन पार्ट पर वार करेगी तो वहां से भाग सकती है। दूसरा, उसे आसपास मौजूद पड़े हुए सामान को उसके सर पर मारना होगा, जिससे कि बिली सिडनी के ऊपर से हट जाए। पर अफसोस की बात यह होती है कि सिडनी इतना ज्यादा डर गई थी कि वो बिली के अगेंस्ट नहीं जा पाती। अब अगले ही मोमेंट में वो रिपोर्टर वहां आ गई थी, जिसने कि वापस गन ले ली होती है और वो किसी भी तरीके से निशाना लगाकर बिली को गोली मार देती है। मल्टीपल वार करने के कारण बिली वहीं पर मारा जा चुका था। मल्टीपल वार करने के बाद बिली पूरी तरीके से मारा जा चुका था, यानी कि उस रिपोर्टर ने सिडनी की जान बचा ली। सुबह होने पर पुलिस ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के लोग आ गए थे, जो घायल पड़े हुए सारे स्टूडेंट्स को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पर वो रिपोर्टर अपने असिस्टेंट कैमरामैन के साथ मौजूद थी, जो ये सारी चीजें अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही होती है। और इस पूरी खबर से रिपोर्टर को काफी ज्यादा फेम भी मिल रहा था। रिपोर्टर ने डिसाइड किया कि इस केस में उसने जो जो चीजें महसूस की हैं, उसे वो कंबाइन करके एक किताब लिखेगी। अब सारे सबूत सामने आने के कारण सिडनी के डैड को आजाद कर दिया जाता है, यानी कि उनके ऊपर अब कोई भी एलिगेशन नहीं है, जिसके बाद सिडनी अपने फादर के साथ अच्छी लाइफ जीने लगी थी। और हमारी कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो व्यूअर्स, आपको मेरा हाउ टू बीट वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।